हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एफडब्ल्यू रिएक्ट्स। मेरा नाम है फरहान। तो आज मैं रिएक्शन देने वाला हूँ मुफ्ती तारिक मसूद साहब के थग लाइफ वीडियो पर। तो वीडियो बहुत ज्यादा फनी होने वाली है, पूरा आखिरी तक एंड तक देखना जरूर से। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। पंजाब के किसी गांव के आदमी, पंजाब वाले मेहमान नवाज होते हैं भाई, तो मेहनती होते हैं, सुस्त नहीं होते। तो एक दो वो गांव में सफ़र कर रहे थे, एक आदमी ट्रेन में सफ़र कर रहा था, एक मुहाजिर था और एक पंजाब के कोई किसी गांव के थे ना। पंजाब वाले सेहतमंद होते हैं, मुहाजिर बेचारे पान खा के तो तमीज़ अपनी जगह है, दिमाग बहुत है, तहजीब है, मगर सेहतें नहीं हैं, सेहतें पंजाब में हैं। तो वो जो है ना, वो ट्रेन में सफ़र करते हुए ना, वो बेचारा मुहाजिर से वो उठ ही नहीं रहा था सामान ना ऊपर रखने। तो वो गांव का देहात का था एक, वो देसी घी लस्सियाँ वस्सियाँ पी हुई थी, आ गया ऐसे करके उठा के उसने ऊपर बर्थ पे रख दिया और बोला लस्सी पिया करो लस्सी। अब वो कराची वाला बेचारा ठिठर के और मुख्तसर हो गया, पहले ही मुख्तसर था और मुख्तसर। फिर आया, फिर वो उससे अब घी रखना है, कोई चीज़ रखनी रखी नहीं जा रही, वो उसने उठाया गाँव के देहात लस्सी पिया करो लस्सी। अब कई दफा हो गया तो ये दिमाग इस्तेमाल किया इसने, इसने बोला बहुत बेइज्जती हो गई है उस्ताद। तो इसने शरारत ये की कि ये वजन उठा के ना, वो जो जंजीर खींच के नहीं लटकाते जहां पे, वहां लटकाने की कोशिश शुरू कर दी, इससे लटका नहीं तो उसने आके लटका दी बोला लस्सी पिया करो लस्सी। ट्रेन रुक गई, गार्ड आया, किसने बोला, इसने 500 रुपये जुर्माना लिया चला गया। तो इसने बोला चाय पिया करो चाय। कराची वाले तो टीचर थी अपने बच्चों से स्कूल में, वैसे ही बहुत खतरनाक होते हैं। वादा करो किसी का दिल नहीं दुखाओगे, बच्चों ने कहा मेस पक्का वादा करते हैं किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, बच्चों वादा करो कभी चोरी नहीं करोगे, मेस वादा करते हैं चोरी नहीं करेंगे, बहुत सारे वादे करवा के सारे अच्छे अच्छे काम ना। आखिर में कहा बच्चों वादा करो गर्ल्स का पीछा नहीं करेंगे, मेस कभी भी गर्ल्स का पीछा नहीं करेंगे। इसने कहा और जब मुल्क पे जान देने की बारी आई तो वादा करो जान देंगे, बच्चे ने कहा दे देंगे, ऐसी जिंदगी में करना भी क्या है। तो वो एक चर्सी था, कुछ चर्सी थे, चर्सियों में आपस में बड़ी मोहब्बत होती है, सबको दे दिया इसका, क्योंकि उनको पता है हमारा जीना मरना एक साथ है, सब ने हमें घर हीरोइन ची सॉरी चर्सी। तो आजकल सुने बड़े अच्छे अच्छे लोग भी माजरत हीरोइन ची। तो चंद हीरोइन ची थे, उनमें बड़ी मोहब्बत होती है जी। अच्छा, जहाज इसलिए कहते हैं वो आसमानों पे रहते हैं ना। एक हीरोइन ची से किसी ने पूछा कि हमने सुना है कि हीरोइन पी के इंसान को ऐसा लगता है कि चांद पे पहुंच गया है, क्या ये दुरुस्त है? तो वो कहता है तो मैं अभी क्या जमीन पे बैठा हुआ हूँ क्या? गया, बाय बाय टाटा, गुड बाय, गया मैं भी क्या जमीन पे नजर आ रहा हूं। तो वो एक आदमी गया ना डॉक्टर साहब के पास, कह रहा मुझे वहम हो गया कि मैं बंदर तो नहीं हूं। तो उन्होंने कहा पंखे से उतरोगे तो इलाज करूंगा ना भाई। सुने ना तो यकीन कर लेता है, आंखों में विरार था, थोड़ा सा महंगापन था आंखों में उनके, उसे कोई लड़की लिफ्ट नहीं कराती थी। तो एक लड़की ने सोचा पैसे वाला आदमी है तो पैसे निकालो इससे दोस्ती करो। तो उसकी तारीफ की, तुम्हारी लोग कहते हैं तुम्हारी आंखें खराब है, तुम्हारी आंखें तो फलां फिल्म स्टार से मिलती हैं। ये बेचारे खुशफहमी में मुबतला हो गए कि मेरी आंखें टेढ़ी मेढ़ी होकर भी माशाल्लाह इतनी हसीन है। तो एक दिन इसने अपने दोस्त को बुलाया और कहा कि जरा मेरी आंखों में आंखें डालो, रुको जरा सब्र करो, और आंखें करीब करके आंखों में आंखें डाल के गौर से देख के बताओ कि फलां एक्टर से मिलती है कि नहीं मिलती। इस दोस्त ने जब आंखों में डाली, काफी देर गौर करके कहा कि ये तो आपस में नहीं मिलती। बहुत खतरनाक मिला, सबको पसंद आई होगी, कितनी मस्त वीडियो थी। मतलब तारिक मसूद साहब ने ऐसे ऐसे जोक्स मारे कि मजा ही आ गया सुन के। मुफ्ती तारिक मसूद साहब अपने हर बयान में कुछ ना कुछ जोक्स मारते हैं, तो उसी का एक छोटा सा पार्ट था ये थग लाइफ वीडियो। तो अगर आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर कमेंट में बता सकते हैं कि अगली किस वीडियो पे मैं रिएक्शन दूँ। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।